नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं कमला तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे चैनल धर्म एक आस्था में। दोस्तों, यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रवण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि के विषय में। दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। श्रवण मास का हर दिन शिव पूजा के लिए समर्पित है, लेकिन श्रवण शिवरात्रि की प्रतीक्षा सभी लोगों को होती है। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्रवण शिवरात्रि मनाई जाती है। इस साल अधिक मास होने के कारण दो शिवरात्रि मनाई जाएंगी। सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। शिवरात्रि की पूजा दिन में कभी भी की जा सकती है, लेकिन निश्चित मुहूर्त पर की गई पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, एक विशेष बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। इस बार सावन शिवरात्रि के दिन भद्रा लगी है। दोस्तों, आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि 2023 की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। खीरेश्वर धाम के भक्त पंडित भारद्वाज जी के अनुसार इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 जुलाई शनिवार रात 8:32 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 16 जुलाई रविवार 10:08 पर होगा। शिव पूजा की निश्चित मुहूर्त के आधार पर शिवरात्रि 15 जुलाई को मनाई जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि की पूजा के मुहूर्त को। दोस्तों, 15 जुलाई को शिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त रात 12:07 से रात 12:48 तक रहेगा। सावन शिवरात्रि की पूजा रात्रि 41 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। जो लोग दिन में पूजा करना चाहते हैं वो सूर्योदय के समय भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार सावन शिवरात्रि का पूजा की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन कांवड़िए कोसों पैदल चलकर अपनी कांवड़ में गंगा जी से जल भरकर लाते हैं और शिव जी को अर्पित करते हैं। इस बार सावन शिवरात्रि पर दो शुभ योग हैं, वृद्धि और ध्रुव। वृद्धि योग प्रातःकाल से 8:22 तक रहेगा। इस योग में पूजा पाठ करने से पुण्य फल में वृद्धि होती है। इस बार भद्रा में ही होगी शिवरात्रि की पूजा। 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि के दिन भद्रा रात 8:32 से शुरू हो रही है। यह अगले दिन 16 जुलाई को सुबह 5:33 तक रहेंगी। यह स्वर्ग की भद्रा है। ध्रुव, इसके बाद ध्रुव योग प्रारंभ होगा जो कि पूरी रात रहेगा। सावन शिवरात्रि के दिन मृगशिरा नक्षत्र है। यह सुबह से लेकर रात 12:23 तक रहेगा। दोस्तों, यह थी जानकारी सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि की, जो कि 15 जुलाई को मनाई जाएगी। सावन की दूसरी शिवरात्रि 14 अगस्त के दिन सोमवार को पड़ेगी। ये अधिक मास शिवरात्रि होगी क्योंकि इस समय अधिक मास लगा होगा। बता दें, इस साल 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास यानी अधिक मास का महीना है। यह महीना शिव पूजा के लिए बड़ा ही खास माना जाता है। कहा जाता है जो व्यक्ति इस महीने शिव की पूजा करते हैं उन्हें विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस तरह इस मास पड़ने वाली शिवरात्रि भी भक्तों के लिए बहुत महत्व रखती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि के व्रत और पूजा विधि को। एक दिन पूर्व ही सावन शिवरात्रि के व्रत की पूरी तैयारी कर लीजिए आप। फिर व्रत वाले दिन शिवरात्रि के व्रत का संकल्प लीजिए। शुभ मुहूर्त में शिव जी की पूजा कीजिए। शिव जी को भांग, बेलपत्र, चावल, गंगाजल, दूध, शहद, शमी के पत्ते, फल, फूल, भांग, धतूरा आदि अर्पण कीजिए। शिव चालीसा पढ़िए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शिव की आरती कीजिए, फलाहार कीजिए। शिव का व्रत पूरे निष्ठा भाव से रखिए। शिव पुराण की कथा पढ़ सकते हैं तो आप वो भी पढ़िए और अगले दिन व्रत का पारण कीजिए। दोस्तों, यह थी जानकारी सावन मास और अधिक मास में पड़ने वाली शिवरात्रि की। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद।